दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपके WhatsApp पे जब भी कोई कॉल आता है तो आपको पता है कि WhatsApp की डिफॉल्ट रिंगटोन हमें सुनाई देती है, लेकिन अगर आप उस डिफॉल्ट रिंगटोन की जगह अपनी पसंद की रिंगटोन ऐड करना चाहते हैं, अपनी पसंद का कोई सॉन्ग उसमें ऐड करना चाहते हैं ताकि जब भी कोई WhatsApp कॉल आपको रिसीव हो तो आपको वहाँ पे अपनी पसंद का सॉन्ग सुनाई दे, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को इसी का प्रोसेस बताने वाला हूं कि WhatsApp रिंगटोन को किस तरह से चेंज कर सकते हैं और किस तरह से वहाँ पर अपनी पसंद के सॉन्ग को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी WhatsApp की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। WhatsApp की एप्लीकेशन ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह से आपकी चैट वगैरह शो होंगी, तो आपको करना क्या कि सबसे पहले ऊपर की साइड आपको जो थ्री डॉट का ऑप्शन मिलता है आपको थ्री डॉट पे चले जाना है। जैसे आप थ्री डॉट पे जाते हैं यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो आपको सबसे बॉटम पे जो सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है आपको सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जाएंगे यहाँ पर आपको फिर से काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जैसे कि अकाउंट, चैट, नोटिफिकेशन, स्टोर डाटा, हेल्प वगैरह। तो आपको थर्ड नंबर पर जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो फर्स्ट नंबर पर आपको कन्वर्जेशन टोन को एनेबल या डिसेबल करने का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद आपको मैसेज की नोटिफिकेशन टोन का ऑप्शन मिलता है। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके सबसे बॉटम पे आ जाना है। सबसे बॉटम पे आएंगे तो यहाँ पर आपको कॉल्स का ऑप्शन मिलेगा और इसमें आपको रिंगटोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको सिंपली रिंगटोन पे ओपन कर लेना है। रिंगटोन को ओपन करेंगे फर्स्ट में आपको एक रिंगटोन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस पर टैप करते हैं आपके सामने ये ऑनलाइन रिंगटोन आ जाती है। इनमें से अगर आप अपने पसंद की कोई रिंगटोन ऐड करना चाहते हैं अपने व्हाट्सएप में तो उसमें भी कर सकते हैं। चलिए फिर से इसको बैक ले लेते हैं, फिर से टैप करता हूँ। अब इसके बाद में अगर आप अपने फाइल मैनेजर से किसी रिंगटोन को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं या आपके फाइल मैनेजर में आपका कोई पसंद का सॉन्ग है आप उसको अपनी व्हाट्सएप की रिंगटोन में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से फाइल मैनेजर को ओपन कर लीजिए। फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ऑडियो फोल्डर यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब आपके ऑडियो फोल्डर में जितनी भी MP3 म्यूजिक वगैरह जो भी होंगे वो आपको इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको सबसे पहले तो उस रिंगटोन को सर्च करके सिलेक्ट कर लेना जिसे आप अपने व्हाट्सएप की रिंगटोन में ऐड करना चाहते हैं। तो चलिए मैं किसी एक रिंगटोन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सपोज कीजिए कि मुझे इस रिंगटोन को यहाँ पे ऐड करना है तो इसके सामने मैं टिक मार्क लगाऊंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरी सिलेक्ट हो चुकी है। सिलेक्ट होने के बाद नीचे की साइड आपको ओके का बटन मिलेगा, आपको ओके कर देना है। लीजिए दोस्तों आपके रिंगटोन में ये आपकी पसंद का सॉन्ग ऐड हो चुका है। अब जब भी कोई आपको व्हाट्सएप पे कॉल करेगा तो आपको डिफॉल्ट रिंगटोन की जगह आपकी पसंद का यही सॉन्ग सुनाई देगा जो कि आपने अपने व्हाट्सएप रिंगटोन में ऐड कर दिया है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप भी अपने व्हाट्सएप की डिफॉल्ट रिंगटोन को हटाकर उसकी जगह पर अपना पसंद का सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं, अपने व्हाट्सएप की रिंगटोन को चेंज करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस से बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसकी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।